की इस पावन धरा पर आए हुए सभी आप लोगों को बुजुर्ग तो नहीं बोलूंगा क्योंकि फौजी कभी बुजुर्ग होते ही नहीं, जवान और हमारे परम आदरणीय वीर योद्धाओं जिनकी वजह से आज हम इस जगह पर खुशहाल बैठे हैं, और हमारी माताओं और बहनों जिन्होंने या तो जिनका कनेक्शन है, चाहे वो उनकी पत्नियां हों वीर योद्धाओं की या उनकी माता हो, जननी हो, बहन हो, कोई भी हो, सभी का आपका इस दक्षिणा की पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपको मेरी तरफ से प्रणाम। अच्छा तो सबसे पहले एक वीरांगनाओं की तरफ से एक गीत। मोदी जी हम दे ले आए मारी रजमंटा आई रे बनाओ, मोदी जी हम दे आए मारी रजमंटा आई रे बनाओ, दिखाई नहीं दे रहा है।
परे जय मारे आरत्या देखे तबुले बैठी सारे कारे अबुले बैठी ना सन बासत की बाताने इबे के रज मंदले काए बे सकते परे जय मारे आई बे के स्वागत है। आज का ये जो अहिर रेजिमेंट का प्रोग्राम, ये महापंचायत, जो भी वीर नारी हैं, शहीद परिवार हैं और हमारे जंगी सरदार हैं, उनके सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि जयपुर से कर्नल जी आर यादव साहब, जो अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति के संरक्षक हैं, आज की अध्यक्षता करेंगे राव लक्ष्मी नारायण जी मिलकपुर हांसी से, जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, और आयोजक हैं डॉक्टर टी सी राव साहब, वेटरन हैं, समाज सेवी हैं, और ये कोसली मंडल के जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी कानड़वास वाले, उनकी देखरेख में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप सबका स्वागत है। सामने कुछ गुजारिश करता हूं इस मंच पे आने के लिए, गांव ख्वासपुर से श्रीचंद साहब, एक्स सर्विसमैन है। श्रीचंद साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, जब दुनिया में पहली हेली लैंडिंग हुई थी 71 की लड़ाई में जनरल सगत सिंह ने करवाई थी, ये उसके जिंदा दस्तावेज हैं। अहिरों की टुकड़ी थी तोपखाने की 99 मीडियम में, और ये वो पहले थे जिन्होंने हेली लैंडिंग करके वहां पे मोर्चे को फतेह किया। और दूसरी बात, ये अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति में जब शुरुआत हुई थी, जब गिने चुने लोग जुड़े थे, तो सबसे पहले उनमें से एक श्रीचंद साहब थे। तो मैं गुजारिश करूंगा श्रीचंद साहब से, आप प्लीज यहां आए, उनका स्वागत करेंगे कर्नल जी आर साहब, डॉक्टर टी सी साहब और राव लक्ष्मी नारायण जी। डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी जो आयोजक है, प्लीज आगे आइए। ₹1914-18 की लड़ाई का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेडल अभी तक इनके बाबा ने जो है वो 95 रसल्स इन्फेंट्री, जो बाद में 19 हैदराबाद और उसके बाद आज की कुमाऊं ग्रुप है, उनमें थे। और इनके ऊपर सारे मेडल्स में यूनिट का नाम और जवान का नाम लिखा होता है। तो आप ये देख लो, ये मेडल जो है 100 साल से पुराना है, और हम अपने पुरखों की विरासत को अभी भी संभाला हुआ है। हलदर राजपाल सिंह जी हमारे संघर्ष समिति में भी शामिल हैं और बड़े उत्कृष्ट कार्यकर्ता है। बाबा रिटायर्ड जो है आरटी से, उन्होंने एक अच्छी टीम तैयार की, और अब हमारे ये जो मातृशक्ति के जो गाने हैं आपको यूट्यूब में भी खूब दिखाई देंगे। इनमें वीर नारायण जी आरटी के, इन तीनों से मेरी गुजारिश है, और साथ में हमारे सूबेदार में जैसे लक्ष्मी नारायण साहब है। अब मैं गुजारिश करता हूँ, बास पदम का मैं हमारे एक्स सर्विसमैन साहिबान है हौलदार रामफूल साहब, इस अहिर रेजिमेंट की जो मुहिम है गांव गांव, सबसे पहले इन्होंने शुरू करी। तो इनके गांव से हमारे जो कुछ बाल पहलवान आए हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा वो सारे बच्चे पहलवान, जो बाल पहलवान चाहे कन्याएं हो चाहे लड़के हो, वो मंच पे पधारे। बांस पदमका के फौजी अखाड़ा के बाल पहलवान, शाबाश।
भाई खड़ा खड़ा कर छोटी सी एक आगी याद कहानी तुला राम का नाम सुना भर गया आख्या में पानी भाई अहिरवाल का राज घराना गोर बसाली होया सुनो तारो सिंह एक यादू वंशी मासे गन होया सुनो उनके कुल में नाम थानू रदमा पर तापी होया सुनो पूर्ण सिमरे बाहड़ी का एक योद्धा गनी होया सुनो भाई बड़े बड़े योद्धा भाई वीरों की राजधानी तुला राम का नाम सुना बरगा आख्या में पानी ओ 1825 में एक 9 दिसंबर आया था तुला राम के पूर्ण सिंह के घर में लगे मैं खुशी का छाया था भाई ज्ञान को रवैण की कुकते शेर सुर मजा था राज घराना झूम उठा धर नाम केरी का दरगा पंडित विदरत गनी तुला राम का नाम सुना बरगा आख्या में पानी ओ अस्तर वस्तर विद्या सिखी राजनीति का ज्ञान मिला इसार नारायण रेवाड़ी का राज घराना ध्यान लिया 1857 में 1857 में जनाजा दलान किया अंग्रेजों तो लड़ते लड़ते अपना ले बलिदान दिया भाई सच्चे पूत सपूत ने दे दी अपनी थी कुर्बानी तुला राम का नाम सुना बरगा आख्या में पानी लड़ाई खुद इतिहास उठा देखो मैं करता नहीं बढ़ाई सिंगापुर में आनी की वीरों की फौज बनाई और लड़ लड़ मर गए हीर वहां पे जब आजादी आई इसीलिए तो अहिरवाल की या बननी चाहिए रजमेंट बनानी और तुला राम का नाम सुना भर गया आख्या में पानी किस्सा जगत तमाम छुपया सच्चे पूत सपूतों का भाई नाम और पहगाम छुपया इतिहासों के पन्ने ऊपर मान और सम्मान छुपया रेवाड़ी में छोटा सा एक जायद पुत्रोगाम छुपया सत पर काश बखान छुपया या परमानंद की बहनी तुला राम का नाम सुना भर गया आख्या में पानी जय हिंद जय भारत धन्यवाद परमाल साहब थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दीजिए अभी इस 15 जनवरी को दिल्ली में वेटरन्स डे मनाया तीनों सेनाओं के तीनों वर्गों के जो चीफ थे वो आए थे वहां पे और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इंतजाम करा था कि भाई कौम की जो मांग है अही रेजिमेंट की इस मंच पे उठाई जाए अब बात सुनना इसको हम चुगली चाटा बहुत करो से सारा बीरबानिया गुणा लिया सी सारा जो जितना भी एक्स क्योंकि वो भाई सिविलियन तो जाना सके थो तो एक्स सर्विसमैन साहेबवान को बोल लिया और एक्स सर्विसमैन साहेबवान कहिया ना हाँ करी एक के तो सुबह 5 बजे डॉक्टर साहब ने फोन को बोलो बस बस आ रही सर मैं आगे चल लू ना वो बस आई ना वो आदमी दिखी और जहां हम 100 आदमियों की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा प्लेटफॉर्म पे था सबकी सुनी जानी थी तो 5 आदमी पहुंचा देखो एक तुम कहते ना कित गई रेजिमेंट हम इतने साल के टू 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 कर रहे छो इब कित चली गई वो मैं बता दूसू 100 आदमी तैयार करा 5 पहुंचा दिल्ली बॉर्डर पे
सुबह 6:30 के बीच थारा घर में अगर एक आदमी आ जाए ना, थारी लुगाई पानी को गिलास नहीं पकड़ा, उनका बेटी चोत कह कहने लुंगवाड़ा ने बुलावा सोरे बाहर प्या दिया कर पानी ने, अपना हाथ में चाय और बिस्किट लेके बॉर्डर के ऊपर सुबह सुबह जो है चाय पानी लेके पहुंचे ताकि उनको ब्रीफ करा जाए कि वहां आपने क्या बोलना है, और विद इन डिसिप्लिन के साथ कायदे के साथ में। सिर्फ एक गांव इतना बड़ा हिरवाल बांस पदम का, उसके 5 आदमी जो हमारे जेसयू साहिबान एनसीयू साहिबान हमारे जो राव रामफूल साहब है ये लेके आए, ब्रीफ किया गया। अब आगे की कहानी सुनो, ये 5 पहुंच तो गया, जब उस फंक्शन के वहां पहुंचे तो अकेले यही एक ऐसा मर्द था जिसने उठ के ये बात उठाई। सॉरी बीच में मैं राव साहब से ये लिया है बिकॉज मैं अच्छी तरह बता पाऊंगा। भाई रामफूल के साथ में 4 लोग और थे, मैंने 4-5 बार रिपीट किया कि भाई 2 खड़े होंगे जरूर बोलेंगे इनको बाहर निकालो, 3 और खड़े होंगे 5 के 5 बाहर निकल जाना। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं भाई रामफूल को, तो राव साहब ने कहा उनके बारे में इतनी अच्छी बातें कही, उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं वो अकेले खड़े हुए, इंटेलिजेंस कर्नल साहब आए उनको पकड़ करके बाहर ले गए, बाहर निकलो साहब। और वो 4 लोग थे पढ़े लिखे थे, उनमें तो सिग्नल्स के ओनली कैप्टन साहब थे, 2 महीने पहले रिटायर हुए, बोला साहब चिंता ही मत करो आप, अकेले रामफूल साहब वहां खड़े हुए और इनको कर्नल साहब पकड़ के ले गए बाहर गेट के बाहर, और बोले साहब आपको सोमवार को हम मिलवाएंगे, आप आओ वहां। एक वेटरन्स के एक उन्होंने डायरेक्टर बना रखे आर्मी क्वार्टर में, वहां में मेरी 20 बार चिट्ठियां जाती हैं, वो लोग गोड़मोड़ सब कर देते, कोई चीफ से मिलने नहीं देता, कोई मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से मिलने नहीं देता, वो एक हर्डल हमने आर ये खड़ी कर दी। उनको बाहर बुला के ले गए, उनको बोला अभी चले जाओ आप यहां से, वो चारों डर गए कि पता नहीं क्या एक्शन हो जाएगा। भाई पूर्व सैनिक है, क्या एक्शन करती सरकार बताई उनके ऊपर, क्या गलत कर रहे थे वो। उसने खड़ा होकर के श्रीमान जी सलूट करके तब अपनी बात शुरू की, तो भाई ऐसे शख्स होने चाहिए रामफूल जैसे, अगर हम 100-200 हो जाएं, तो भाई मैं उस दिन 4 बजे खड़ा हो गया और मेरी घरवाली चाय बनाई, मैं थर्मस में डाल ली ठंड के अंदर, 15 जनवरी को सर्दी तो होती है, सिरोल टोल प्लाजा खुला है पूरा, वहां जाके मैं खड़ा हो गया, वो बेचारे 5 को चाय पिलाई, इतना मैंने उनको समझाया। काश कि उस दिन कोसली से, और एक मैं नाम नहीं लूंगा जो हमारे बहुत अग्रणी रहते हैं पूर्व सैनिकों में, रेवाड़ी के पास गांव है उनका, उन वो बोला मैं जान दे दूंगा हेरेसमेंट के लिए, राव साहब बताओ तो सही आप। मैंने ब्रीफ कर दिया खूब, और उस दिन सबसे पहले फोन उसी को किया मैंने कि भाई तुम कोऑर्डिनेट करके आ रहे हो, सब 5 मिनट में गाड़ी आ रही है। मैं जगा रहा, ये छोटी सी बात है कि भाई अपने ये छोटा सा एक प्रयास था, तो मैं चाहूंगा कि ऐसी जब कोई जरूरत पड़ती हम पूर्व सैनिकों की या दूसरों की, उस दिन पूर्व सैनिक अंदर जा सकते थे। मैंने वहां जो उसका आयोजक था उस कर्नल साहब से, अब कर्नल भट्ट एक कुमाऊं रेजिमेंट के कुमाऊनी है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया ये कि राव साहब मौका है आपका मुद्दा उठाने का, एक कुमाऊनी ने आइडिया दिया, वहां पे ऑफिसर भी कुमाऊनी ही था जो इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा था, उसने उससे कहा कि भाई कुछ पूर्व सैनिक आएंगे उनके पास अगर एंट्री नहीं भी है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अभी उनको अंदर अलाउ कर देना। तो मैं कर्नल भट्ट साहब का भी आप सबकी तरफ धन्यवाद करता हूं कि उस इंसान के दिल में भी जगह है कि हाँ यार अरेंजमेंट बननी चाहिए। ओवर टू अजीत सिंह साहब। मोटी बात मैं ये कहना चाहता था भाई, जब 5 भाई साथ जाए इसे, तो अगर लठ बाज रहे हो तो सुसरा वह 4 के छोड़ के भाग जाएंगे ना, मरता है का। और औरत लठ भी ना बाज रहे थो, सिर्फ चुपचाप उठ के बाहर निकलना थो, और ये उन 4 आ गई बिना हो, ये कौन की कमजोरी है देखो, इसे सीखो आप। अगर इससे नहीं सीखेंगे फिर भाई फिर तुम क्या मतलब, और हम मारी टांग खींचता रहो से भाई, 1 साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल थम नहीं पाए के मिलो से। और ये जितने भी मारी माँ भाण बेटी से मेरी इनसे गुजारिश है, थारा घर में जो भी ऐसो मर्द से जाकर डाटी मुंह छू गया इसे, उन्हें जय दिन पंचायत हो कौन की घर में मत बढ़ाने दो,
और अगर वो पंचायत में शामिल नहीं हो तो ना टूक भी मत दो, तीन दिन टूक मत दो। इनको इलाज यही से थारा का ड्रेस ही है, कहीं का नहीं ड्रेस, सब सबसे ज्यादा थारा का ड्रेस ही है, क्योंकि ये बदी कर दिया है कौन ने। हम तो कई बार हम तो बड़े मायूस हो जाते हैं। अगर एक सर्विसमैन को नहीं, अगर हम सिविलियन को लाओ होता तो मामला अपने से बुढ़वा लेता होता। पर मैंने हमने पांच जना आया और पांच में आके चैन रुक गया, कितने श्रम की बात है। तो मैं एक गुजारिश करता हूं रामपुर साहब के सेव की संघर्ष समिति और ग्रामीण उत्थान संघ की तरफ से, हम पूरे जो है उनको पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे थे राव रामपुर साहब। अरे एक तो शेर नहीं, शेर जाएगा बिल्कुल दिल से सल्यूट आपको भाई। एक सर्विसमैन तो ऐसे ही होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो माँ बाण को बाहर निकाल पाते हैं। किसी में लिखते जाओ ना, एक लिस्ट से दो अब मैं गुजारिश करता हूं रामदत्त साहब पैरा कमांडो जिन्होंने श्रीलंका में लड़ाई लड़ी और आज भी उन गोलियों के निशान इनके पैर पे हैं। अहिर रेजिमेंट की जागृति की जब मुहिम चली तो नारनौल के क्षेत्र में रामदत्त जी खुल के सबके साथ आए और आज तक हमसे जुड़े हुए हैं। ये एक तरह से जिंदा शहीद हैं, श्रीलंका की लड़ाई के दस्तावेज हैं। रामदत्त साहब पटीकरा, साहब रामदत्त साहब पटीकरा पैरा कमांडर। एक अलग सेट लेके आओ, रामदत्त साहब पटीकरा पैरा कमांडर, मेडल कैजुअल्टी। लेडीज के दो और दो, लेडीज के दो और दो, दो सेट, दो सेट और लो भाई। और दलीप जी सर वो तो खेल उधर से खेल जाओ, पीछे खड़ा सर। उसके बाद कोई इधर आ जाओ। देशी शहीद का नाम है गुड़ियाणी से एक राम धर्म पत्नी गुड़ियाणी से शहीद करतार सिंह जी की वीरांगना श्रीमती मूर्ति देवी जी गुड़ियाणी, शहीद सुरेश जी की वीरांगना गुड़ियाणी, शहीद रामनिवास जी की वीरांगना कुरथड़ा, तो फिर एक इकट्ठा लिखो ना, फिर सबका बात मेरे गुजारिश है यहाँ थोड़ा कम से कम दो, आप दो मेहनत कर रहे हैं है ना, थोड़ा भीड़ मत करो। ना हमें लिख दो तीन लेडीज बुलाई भाई, थोड़ा बैठ जानी चाहिए सारा, मतलब खड़े हो सारे खड़े रहोगे वो तालमेल बैठ जाएगा। बैठ जाओगे, मेरी गुजारिश है सबसे जो यहाँ पकड़ा रहे उनके अलावा थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ। स्वागत है कर्नल भरपूर सिंह जी का, कर्नल भरपूर सिंह जी। सामने देखो सर, लुक एट
उनका चूतड़ा में गोली लगी। इब उन्हें ठाक के कौन ले जाए, क्योंकि भाई ऊपर तो जो अल्टीट्यूड पे तो कोई इलाज है नहीं, उनको गोली खून ओवर ब्लीडिंग से मर जाएगा। जब कोई भी कुमाऊं ने तैयार नहीं हुआ तो ये कहीर छोरा ये तैयार हुए कंधा पे गेर के फायर के बीच में नीचे ले जाके उसके आदमी की जवान बचाई उस कुमाऊं ने की। उसके लिए इनको एक कमेंडेशन कार्ड भी मिला था। तो भाई तो शुरू ही रहना, वो तो हर मोर्चे में शुरू ही रहा है, चाहे रण का मैदान हो चाहे यहाँ सिविल में ये मैदान हो। डॉक्टर टीसी साहब के जो ये संस्था है ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण, ग्रामीण उत्थान रत्न जिनको यहाँ पे दिया जा रहा है, उस समाज के प्रति उनके समर्पण एवं अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए किए जा रहे प्रयास, जिसमें तन मन और धन की आहुति है, उस समाज कल्याण के लिए गई सेवाओं को मान्यता देने के लिए ग्रामीण उत्थान रत्न से सम्मानित करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। तो ये जो सर्टिफिकेट दी है, ये जो समाज में किसी भी रूप में उत्कृष्ट जो काम करा है हमारे बीच में मौजूद सज्जनों ने, वीर नारियों ने, उनके सम्मान के स्वरूप ये सर्टिफिकेट दी जा रही है। किसी का भी नाम रह जाए तो मेरी गुजारिश है कैप्टन राजेंद्र साहब के पास में, राजेंद्र सिंह जी के पास में आके लिखवा दे। गलती होगी हमारे से, एक की बात दो बार कराओ तो कोई मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नाम हमें पहले लिखवाना चाहिए थे, पर थोड़ा हमारी भी गलती है, तो आप लिखवा दीजिए। एक्स सर्विसमैन साहिबान का भी, खास तौर से मैं रेजांगला पलटन के जो हमारे साहिबान हैं, आप लोगों का शुरू से हमारे को बड़ा सहयोग रहा है। तेरा कुमाऊं हमारा ही परिवार है, कौम का नाम नाम रोशन करते हो। और मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग सरदारों को, चंदन सिंह साहब चोट भी लगी हुई अब आए हैं, ग्रेनेडियर्स के सूबेदार मेजर नाहड़ के, राव अमर सिंह जी, इतनी उम्र के व्यवस्था के बावजूद भी हमारे हर प्रोग्राम से, तो मेरी सबसे गुजारिश है। और 80 साल के कैप्टन बलवीर सिंह जी साहब, बलवंत सिंह साहब, ये सारे जितने बोडिया कमलपुर वाले जो हमारे साहब हैं, तो ऐसे हैं जिनका योगदान बहुत बहुत ज्यादा है। 70-80 साल की उम्र में जब आदमी उठ बैठ भी ना ढंग की पाओ, जब भी अगर ये गांव गांव घूम रहे हैं तो भाई इन हेड्स ऑफ ट्वीन जो भी ऐसे हमारे जंगी सरदार हैं, मैं फिर गुजारिश करूंगा किसी का नाम रह जाए, कोई भी गांव आके यहां पे आप नाम लिखवा सकते हैं। कोई किसी तरह का सांस्कृतिक कोई योगदान, जैसे परमाल साहब ने राव तुलाराम जी के ऊपर एक गाना गाया था, कोई अगर रखना चाहता है तो मेरे स्वागत है, वो आप नाम लिखवा सकता है। अब मैं INA के जो सेनानी हमारे रहे हैं उनके ने मैं नाम ले रहा हूं, उनके जो भी वारिस है परिवार के जो यहाँ पे उपस्थित है, कृपा मंच पे आए। श्री माता दीन सिंह श्यामनगर, श्री रिशपाल सिंह श्यामनगर, श्री तारा सिंह श्यामनगर, श्री निहाल सिंह श्यामनगर, श्री सही राम जी भाकली, श्री छत्र सिंह आजाद बोड़िया कमालपुर, श्री बुधराम जी पूर्ण सिंह जुड्डी, श्री चोख राम जी सुबेदार उदयवीर जी जाहिदपुर, हल्दा ताराचंद जी 1962 CHM मांगेराम नाड़ से ही सुबेदार मेजर राव अमर सिंह जी अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति के मुख्य सेनानी, श्री माल सिंह जी सुबेदार राम किशन भुथला, जयकरण साहब INA रामोतार, बलबीर सिंह साहब इकबाल इकतानगर, नानक राम जी श्री लक्ष्मी नारायण जाहिदपुर, भूप सिंह शीशपाल जी, लेख राम छेलू सेकंड वर्ल्ड वार दोनों भाई, मोहर सिंह जी गुड़ियाणी, RHM बलवंत सिंह साहब बोड़िया कमालपुर, समाज सेवी रेजिमेंट के सेनानी, श्री देवकी नंदन जी रेजांगला पलटन 13 कुमाऊं समाज सेवी। अभी मैं गुजारिश करता हूं, एक सुबेदार साहब राजदीप से यहां पधारे हैं, वो मंच पे आए, ये सामाजिक मुहिम है, कोई पॉलिटिकल नहीं, उनका स्वागत है, उनके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। राजदीप साहब के जो सुबेदार साहब मंच पे आए,
शहीद रामोचार साहब 1962 के जन के बैठ जा बिलावल कुमार के किशन साहब गोलिया का काराचंद साहब ग्रुप में बुला रहे हैं, आप हमारी इस दृष्टता को क्षमा करें, नाम लिया जा रहा है वो आ जाए। आईएनए वाला तो छूट गया, एक दो वो साहब सभी आ जाए। नमस्कार जी सभी को, नमस्कार। मेरे वास्ते महावीर साहब थे, आ जाओ साहब। उमेर कैप्टन चांद सिंह साहब गोलिया का, किशन कुमार साहब 11 कुमाऊं गोलिया का, सुबेदार जसवंत सिंह साहब MWO तारा सिंह साहब, हौलदार भानी साय साहब गोलिया का, सुबेदार वीरेंद्र सिंह साहब गोलिया का, शहीद रामोतार साहब श्याम नगर, उनके परिवार आ जाए। 1962 के शहीद है। शहीद मोहर सिंह जी की बहुत जबरदस्त योगदान है नारनौल और झुंझुनू क्षेत्र में। रणवीर सिंह साहब आर्मड से दौर कला, अपने इलाके में तकरीबन 20-25 गांव में सबसे ज्यादा एक्टिव है। वोट बैंक दिन हमारे से कम आती, पूरा समर्पण कर रखा है इन्होंने। अरे महेंद्र कितने को यार हलदार सुरेंद्र सिंह साहब दौलताबाद, हलदार सुल्तान शहीद विजेंद्र के परिवार से दौलताबाद, राव महेंद्र सिंह जी राजिया का, राव महेंद्र सिंह जी राजिया का, जिन्होंने 21 दिन के धरने को आयोजन करने में सबसे अहम भूमिका थी, राजिया का से राव महेंद्र सिंह जी। अब मैं खिलाड़ियों को आमंत्रित करता हूं, साहिल सन ऑफ विजय गुड़ियाणी लॉन्ग जंप गोल्ड मेडल, योगेश कुश्ती ग्रीको रोमन नेशनल, विशाल फ्री स्टाइल ब्रॉन्ज, नीतीश फ्री स्टाइल ब्रॉन्ज, आरती फ्री स्टाइल ब्रॉन्ज। ये सारे बच्चे मंच पे आ जाएं, ये खिलाड़ी बच्चे साहिल योगेश विशाल नीतीशा भारती, ये सारे बच्चे मंच पे आ जाएं, खिलाड़ी बच्चे। ये सो सारी खिलाड़ी जो हमारे बच्चे हैं, इन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है इलाके का, जो खेल परंपरा दम तोड़ रही थी हिरवाल में, अब फिर से खड़ी हो रही है। मेरी जो उपस्थित मात्र शक्ति है, मेरी उनसे गुजारिश है, अपने बच्चों को फटे हुए कपड़े पहना लो, जमीन पे सुला लो, पर खिलाओ राजा की तरह। एक गलत परंपरा चल रही है, जो हीरी कुर्बा ने खान नहीं देना उन्हें कैसे घर बनावे से, वो घर को नाश कर रही है जो कुर्बा ने खान नहीं दे। तो बाल का है ना खूब चराओ, झोटा ही ढाल चराओ, नहीं तो ये मिंगी मारे बालक होगा, ना खिलाड़ी होगा ना फौजी होगा। अरे ये थारा हाथ में से, नारपुर गुड़गांव से करण राव एक बच्चा है, जो हाई रेजिमेंट की मुहिम में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, और अखाड़ा भी एक चलाता है, करण राव नारपुर
गुड़गांव हीरवाल का जो हिस्सा झुंझुनू में है वहां के ठिकाना सागा से कैप्टन किशन लाल जी, कैप्टन किरोरी लाल जी, सुबेदार भीम सिंह जी, सुबेदार जाब सिंह जी, हवलदार रतिराम जी और ढोरकला से हवलदार मूला राम जी, आप सब से गुजारिश है मंच पे आइए, सागा की सरदारी और ढोरकला से हो गया। अब मैं गुजारिश करता हूं कर्नल जीआर यादव साहब से जो मुख्य अतिथि है, जाहिदपुर से जो मातृशक्ति आई है, कोई भी माँ जीजी भाण जो उम्र दराज हो एक बार आ जाएं, पूरे गांव का सम्मान, क्योंकि आपने हर जगह हमारे जो आई रेजिमेंट के गीत गा के इस अलग को जगाए रखा है। जाहिदपुर की हमारे एक बुजुर्ग आ जाएं जीजी, पूरी जाहिदपुर की टीम को मिसिज डॉक्टर टीसी राव सम्मानित करेंगी। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो रहे थे गांव में मातृशक्ति में साथ में लाने के, तो ये जाहिदपुर की जो टीम थी लक्ष्मीनारायण साहब ने इतनी तगड़ी तैयार करी और इनके जो गीत है रेजिमेंट के ऊपर आज पूरे सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, तो पूरी जाहिदपुर की टीम को बार बार नमन, राम राम, आपका धन्यवाद। आपकी वजह से और भी गाँव में जो है हमारी माँ भाण बेटी धीरे धीरे जुड़ने लगी है। भाई घूंघट रह से रहने तो घूंघट मत तारो पर रह ना की घूंघट वाली, तो हमने घूंघट काटना पड़ेगा थोड़े दिन बाद, जो नई छोरी आ रही सुन के। फोर कुमाऊं के सुबेदार में अनिल पंच साहब, सुभाष यादव साहब, और हमारे सुभाष यादव साहब जो कानड़वास से है हमारे लीगल टीम को जो हेड कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, सुभाष साहब एडवोकेट सुभाष साहब एक्सर्विसमैन भी है, वेटरन है, सुबे सिंह साहब थानेदार, राव देशराज सिंह साहब जो होली गायन में भी है रेजिमेंट का प्रचार करते हैं, राव देशराज सिंह साहब। अब नाड़ की सरदारी सुबेदार मेजर राव अमर सिंह जी जो हमारी अगुवाई करते हैं रेजिमेंट की ग्रेनेडियर से, सुबेदार मेजर राम अवतार साहब, हवलदार शिव साय साहब, हवलदार महावीर सिंह साहब, हवलदार मांगेराम साहब, फादर ऑफ जो ताराचंद साहब 1962 के शहीद हमारे रजांगला पलटन के थे, एहरोद से जो बाप बेटों की जो जोड़ी है शिव कुमार जी और उनके पिता श्री एडवोकेट साहब, इन्होंने बड़ा योगदान दिया है, शिव कुमार जी एहरोद, सचिन इंजीनियर बिहाड़ी, प्रोफेसर मृत्युंजय जी रेवाड़ी, प्रोफेसर मृत्युंजय जी रेवाड़ी कृपा मंच पे आए, सर आप आगे सर जाओ थोड़ा। परम कालुवास सचिन इंजीनियर बिहाड़ी, मेरे भी जो भी रेजांगला पलटन के हमारी सरदारी यहाँ मौजूद है जिनका नाम मैं नहीं बोल पाया, मेरे हमारे से जो गलती से छूट गया हो, मैं सारी सरदारी से गुजारिश करता हूँ हमारी मुहिम में ये जो रेजांगला पलटन की जंगी सरदारी है इनका बड़ा अहम योगदान है, ये कौम के नाम को जिंदा रखे, तो मैं रेजांगला पलटन के जो भी हमारी सरदारी है मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है मंच पे पधारे। 13 कुमाऊं के साहेबान चंदन सिंह साहब कोई रह रहा हो तो बोल दीजिएगा, ब्रह्मदेव साहब कोई रह रहा हो तो बोल दीजिएगा, सुबेदार राम सिंह साहब 189 लाइट रेजिमेंट के आरटी से
नाड़ की टीम, जावा की टीम, बसई की टीम, गुड़ियाणी की टीम, कानड़वास की टीम, खेतियास की टीम, कोसली की टीम, नारनौर की टीम, कैप्टन दयाराम साहब, कैप्टन दयाराम साहब, कुमाऊं ग्रुप, कुमाऊं ग्रुप का जो भी साहिबान रह गए नाम लिखो। करीरा गांव के जितने भी संगठन के जो हमारे साथी हैं, कृपया पधारे करीरा ठिकाना। कैप्टन सुमेर सिंह साहब के जो साथी हैं, पूरी टीम यहां पधारे करीरा। मेरी गुजारिश है थोड़ा बैठते जाइए, आप बारी बारी से आ जाइए, बारी बारी से आ जाइए, बैठते जाइए। कैप्टन हरी सिंह साहब की टीम मुसेपुर की पधारे, उनका स्वागत है। कैप्टन हरी सिंह जी मुसेपुर की टीम के साथ पधारे। कानड़वास की टीम प्रिंसिपल दुलीचंद साहब, गुड़ियाणी की टीम, कानड़वास की टीम, सागा की टीम, गोलिया से वीरेंद्र सिंह साहब, गुड़ियाणी की टीम लाल धर्मवीर सिंह साहब, सरपंच मनीष साहब, लाल फूल सिंह जी गोलिया के से कृपया मंच पर पधारे। कैप्टन राजेंद्र सिंह साहब की अगुवाई में गुड़ियाणी की टीम, चलते रहो सर, जल्दी जल्दी कृपा जाइए, मत जाना नहीं है, जाना नहीं है, बैठना है, बैठना है। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जिन जिन्होंने अपना मान सम्मान ले लिया है, प्लीज वो बैठ जाए, बैठ करके भी तो बहुत बातें होनी, इसको आईडी बैंक पे तो हमें डिस्कस किया ही नहीं, जो हमारा खास मुद्दा है उस पर चर्चा होने के बाद बात बनेगी नहीं ना। ये प्लीज एक बार आ जाओ सभी ऑफिस। भाई बड़ी बुद्धि कौन से, बहुत माड़ी कौन से, ना कहीं कहीं की सुने। श्रीचंद साहब कोसली, मेरी सबसे गुजारिश है, भाई शर्म करो, ये मारी जो इतनी बुजुर्ग बैठी हुई से माँ भाव बेटी, ये आराम से बैठी है और थमने ना स्था रखो सर, क्या मारस थो सर, सुनी ना रहा। भाई सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि नीचे बैठ जाओ, ज्यादातर आप बड़े डिसिप्लिन सोल्जर्स रहे हैं, नीचे बैठ जाओ, मेरी गुजारिश है, सम्मान वालों से भी मेरी गुजारिश है, नीचे बैठ जाओ। राम इंद्रजीत सिंह जी भागली भाई जी, थोड़ी व्यवस्था काम करो, मेरी सबसे गुजारिश है, आप सब बैठ जाइए, सबको फिर से करेंगे। हाँ नहीं कर रहे ना, अभी कर रहे, अभी चलेंगे सब, अभी सब भी अभी चर्चा करो उसके ऊपर, सब शुरू करो, वहां इन्हें बोलो ना पटाखे लगा करूँ ना, अरे उड़ाने बैठ जाओ ना, हमें शर्म नहीं आवे। चलो कैसे कभी वहाँ पे, नमस्कार, तो सुसरा बैठे क्यों से मित्र, कौन सा गांव से बताया, गांव को नाम जरूर हम बताओ, अल्लाह हेलो राणा, जो भी है सर, मैं मेरी हाथ जोड़ के
ये भी गलत है। श्रीजन साहब, श्रीजन साहब उन्होंने क्या कर रहे हैं? सुना ना कबड्डी ना। ना ना क्या क्या प्रोग्राम के बाद दौरान तांग रहे हैं, सब भाग जाएगा। भाई मेरी सबसे गुजारिश है, नीचे बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ पे। आप आते हो तो अपने साथ दो बंदे और लेकर के आओ। आज मातृशक्ति ने आपके सामने प्रदर्शन कर दिया है कि वो बैठ सकती है, लेकिन हम देख लो कबूतरों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं और ये आई है तब से आराम से बैठी। थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए और जिस काम के लिए हम आए हैं इस पंचायत के लिए, तो उस पे तो बात हुई नहीं है, अभी बातचीत उस पे कर लेते हैं। सबसे पहले अपने गांव में आप महीने का एक दिन कोई भी चुन लो, उस दिन अरेंजमेंट के लिए सारे के सारे इकट्ठे होने चाहिए आपके गांव में। और जो भी प्रगति है, जो भी अरेंजमेंट के बारे में काम हुए हैं उन पे चर्चा करो। दो घंटे मतलब एक महीने में दो घंटे निकालने आपने, सिर्फ दो घंटे में आपने सिर्फ अरेंजमेंट पे चर्चा करनी है अपने ही गांव में। और उसके बाद में जितने प्रोग्राम है, अभी कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिनका कोई ना कोई इस मुहिम से नहीं जुड़ा हुआ और उसको सारा प्रोग्राम नेट के ऊपर पता चल जाता है कहाँ पे क्या प्रोग्राम है। तो जब भी अहिरों को इकट्ठा होना होता है, आप बराए मेहरबानी इकट्ठे हो। हम खुद कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम दो ढाई घंटे से ज्यादा ना चले, कोशिश करते हैं हम, लेकिन फिर भी अगर 5-10 मिनट आप ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा सहनशीलता रखो प्लीज। और इस मुहिम के लिए गर्दन तो फंसानी पड़ेगी भाई। महाभारत को भी, महाभारत में कौरव कौन थे? वो भी तो रिश्तेदार ही थे, चाचा ताऊ के ही थे। कृष्ण ने उनकी गर्दन क्यों काटी भाई? वो ज्यादा उधर हो गए थे। अभी अरेंजमेंट में हमें अपने वालों को ही गर्दन पकड़नी पड़ेगी। तो भाई ठीक रहो अपने अरेंजमेंट के लिए, अगली पीढ़ी के लिए जितना आप कर सकते हो जुड़ो इस मुहिम से और अगली पीढ़ी के लिए कम से कम रास्ता साफ कर जाओ। मारा तो होलिया जो होना था वो, और 5-4 साल में चार आदमी तैयार है बस कंधे पर उठा के तैयार ले जाने वाले। मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि भाई अरेंजमेंट के फायदे क्या क्या है, ये सारे एक्सर्विसमैन है सबको मालूम है अरेंजमेंट के फायदे क्या है। यही एक ऐसा इदारा है अरेंजमेंट जिसमें जो आपकी वैकेंसी है वो जन्म जात है। अरेंजमेंट बनी तो अरेंजमेंट में सिर्फ अहिर के बच्चे ही जाएंगे, और ये जन्म जात रिजर्वेशन है वो आप ओबीसी के चक्कर में छोटे बैठे हो। तो सबसे अच्छा और सबसे और दूसरी बड़ी बात है, सिर्फ पेंशन फौज में रह गई है। अभी अरेंजमेंट में अगर अग्निवीर भी जाओगे तो भी कम से कम 25% हीर तो रहेंगे उधर ही। अभी अरेंजमेंट बनी तो हीर ही रहेंगे वहां पे। अभी आप जा रहे हो अग्निवीर में, हीरे की कोई पलटन तो है नहीं, वो 25% में तुम्हारा नाम ही नहीं आएगा कहीं भी। तो आपसे इतनी गुजारिश है कि अभी इसकी महत्वता समझो और अरेंजमेंट के लिए जुड़ने शुरू हो जाओ। दूसरी बात है, जब भी कोई ब्याह शादी वाद सूचक लगन जब भी है, अरेंजमेंट का नेग निकालो और अरेंजमेंट के बारे में वहां पे बात करो, चाहे वो 10 रुपए दे चाहे 50 रुपए दे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब है सिर्फ अनाउंसमेंट से और सबको बताने के लिए कि हाँ अरेंजमेंट भी एक मुहिम है जो चल रही है अहिरों के बीच में। और गवर्नमेंट के पास सारी खबरें हैं, सिर्फ वो इंतजार कर रही है कि किस दिन अहिर अपना अपनी ताकत दिखा दे और अरेंजमेंट वो उसी दिन बना देंगे। लेकिन बस हमारी बदकिस्मती यही है कि यहां इकट्ठे नहीं हो पा रहे। दूसरी जो कौमें हैं वो इकट्ठा होने के लिए देर नहीं करती। मुस्लिम है, एक बार अनाउंस करते हैं
मस्जिद से और पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है, बच्चे बूढ़े समेत। जाटों का यही हाल है। और हमारे ऐसे घर में बुलावा देने के बाद, गाड़ियां गांव में घुमाने के बाद भी ये हालत है। जो पीछे हो गया उस पे मिट्टी डालो और आगे के लिए मुहिम को थोड़ा सा तगड़ा करो और आगे बढ़ते हुए अपना जो हक है वो जरूर हासिल करो और अगली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ करो। धन्यवाद। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि आप ही लगे हो, इतना थोड़ा आदमी लगा है इस अरेंजमेंट खातर। नहीं, हर जो तरीका है अरेंजमेंट के लिए उसके लिए कोई ना कोई हमारे जो समिति का सदस्य लगा हुआ है। आज डॉक्टर ईश्वर सिंह जी दिल्ली गए, राज्यसभा के एमपी हैं झा साहब राजद के, अग्निवीर की जो समस्या है उसको लेकर आज वहां होगी। मैं वहां नहीं जा पाया क्योंकि आज मेरा यहां पे हाजिरी थी। तो ये मत सोचो कि भैया इतना आदमी है ऐसे अनकही होगो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से 24 घंटों कोई ना कोई गतिविधि चलती रहती है। अब हमने नु सोचो थारा घर आके सारे एकदम पत्री ला के दिया तो भाई ये हो नहीं सकता। पर आप ये मत सोचे कि आपसे हर कोने में आदमी लगा हुआ है। और अग्निवीर जो है उसमें जो अभी जो लोगों को पहले गलत फहमी थी वो क्योंकि सब दूर हो गई है, वो वही तमाशा चल रहा है। तो उसके लिए भी कानूनी दाव पेच राजनीति को सारा चीज चल रहा है। हाई कोर्ट में पीआईएल भी फाइल कर चुके हैं। अच्छा फिर क्या है, जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा कि भाई मारी लड़ाई कहीं का नहीं अरेंजमेंट की। जय दिन बदमाश हीरो को एक गेटी मोस दोगा ना उसी दिन रेजिमेंट मिलेगी। हमारा दुश्मन रेजिमेंट का सिर्फ ये बाहर का आदमी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। हमारी 90% लड़ाई हमारी खुद की कौम से है, क्योंकि हमारे कौम में भी कई बैठे हुए नालायक जो इस रेजिमेंट की मुहिम को आगे निभाने दे। देख मैं छोटा सा किस्सा बताता हूं। अभी एक ये जो नेक परंपरा है, एक नेक खातो तो डाका एक नेक निकाला किसी ने रेजिमेंट के लिए, और वही टाइम वो बॉल पड़े आर्मड को, तो बोले आप बन तनाश का, अरे तू 50 रुपया देख के सोच रहा ये तू ना बना दे रहा है 50 रुपयों की छाती में भरी पंचायत में, और सड़न कुट्टो भी अगर कूट सको तो, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करोगे तो मैं करूं बड़ी बोधी को, ऐसा आदमी को जुलूस जरूर काटो जो ससुरो पंचायत में बोले तो बन ना सके, उनका चिपट जाओ, उनका लत्ता फाड़ दो, जो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ससुरा हर काम में एक रीत सा जो या ना बन सके। तेरा कुछ ही कहने थी कमीन, तू आ ना रहे हो, तू कर की भी ना रहे हो, ये थमनू मत को भाई डिसिप्लिन सो, अपना आदमी कूटना पड़ेगा। अच्छा ससुरा कूटाएगा जब अरेंजमेंट मिलेगी, बता तू सुने मारो नाल मारा ही कर रहा सी तो। और साफ नाम लो, हम के नाम ना पुत्र हर नाम लियो ना, जा डरता रहो सो, मैं नाम ले रहा हूं। जय आदमी ने 5 बजे नु कही कि बस हारी से मर ही बात जाऊंगो, उनका नाम इलावन कुमाऊं का सुबह कैप्टन भोला राम था, और मिल जाए ना उनका मुंह पकड़, और मैं सबका मुंह जो मेरे से बकवाद करोगे उन जरूर बोलू सुने मना डर लाग मेरा छोरा नो बैयो भाई रंडो रख लू मैं, और पंचायत में बैठा मत दियो। पर तो कमीन से कमीन को नाम भरी पंचायत में जरूर करो, उनको जलील जरूर करो। यह कौम गलत कामों पे मिट्टी डालती रहती है, इसलिए ये जो बदमाश है इनके सर हावी हो गए हमारे ऊपर। वो कौम का नहीं, वो काम का नहीं, वो काम का नहीं। और नूमत का अगर सुनी से सुसरा को नाम लो कि राम प्यारी को थो कि बटेरी को थो, इतना वो गांव एक भाग रहो थोड़ा सुसरा गांव को नाम लो, कौन सा गांव था वो नटेड़ो थो, क्यों भाग गया था भाई तुम? हाँ बिल्कुल, तू बैठ लियो तो साहब उत आगमन देख लियो तो भाई ये जलूस काट नहीं पड़ोगो। 90% लड़ाई कौम की कौम से है। महाभारत किस लिए हुआ था? धर्म स्थापना के लिए। कोई इंग्लैंड में मारण थोड़ी गया था, अपना ही काका ताऊ का मारा था जब जाके धर्म स्थापित हुआ था। ठीक से ना सिद्ध नाम लो सुसरा को, हर थमने डर लाग के सतमान नाक का बता दो, मैं बोल दूंगा। अब मैं गुजारिश करता हूं इस पंचायत के आयोजक दानवीर लाके के प्रखर समाज सेवी
मतलब मैंने एक किस्सा बताया था ना कि जो आदमी 6 बजे थर्मस लेके चाय और बिस्किट लेके पहुंच गए सिर्फ कौम के मुद्दे के लिए, जिसके पास सैकड़ों नौकर उसके बावजूद भी, जिस आदमी ने गुड़गांव में रेजांगला का शहीदी स्मारक बनाया, तो भाई माता ऐसा जन्म ये के दाता के सूर, नहीं तो मार रहे बांझड़ी काहे गवावे नूर। आदरणीय मेजर TC राव साहब, वीर सेनानी हल्दार लेख राम प्रेरणा स्थल पर पहुंचे सभी पूर्व सैनिक अभी रेजिमेंट के गठन के मुद्दे से जुड़े हुए मेरे सभी गणमान्य भाई, पूजनीय सभी मेरी माताएं बहनें, युद्ध वीरांगनाएं, इस गांव की युवा टीम, ग्रामीण उत्थान के कार्यकर्ता, मैं सभी का स्वागत करता हूं। मुझे बहुत एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आपके यहां पे सेवा करने का। हम जहां बैठे हुए हैं ये वो परिवार है जिसके 7 भाई 65 की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया, 71 में लिया, लेकिन एक गिनती कम हो गई थी। मेरे दादाजी की बहन के लड़के सुब्रदानंद किशोर धवाना से वीर चक्रा, वो 65 में शहीद हो गए थे। ये सामने जो इमारत बनी है ये दादाजी के नाम पे ही है, होला लेखराम प्रेरणा स्थल। अंदर इसमें उन सभी सूरवीरों की फोटो लगी हुई है जिनका मैं नाम ले रहा हूं कि 65 और 71 में जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भी उस परिवार में जन्म मिला। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा, मेरा भाई, हम 2 भाई हैं, दूसरा भाई भी फौज में था, मेरा बेटा वो भी NDA में चला गया था। तो हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। मेरे दादाजी तो 419 हैदराबाद रेजिमेंट से थे जिसके ऊपर बाद में कुमाऊं बनी, और उनको ही देख करके अब यकीन मानने मेरे पिताजी आर्टिलरी जितने में आर्टिलरी सेंटर में जाके भर्ती हो सकता था, लेकिन अपने दादाजी की रेजिमेंट के साथ मुझे प्यार था, वो हरी कलगी से मुझे प्यार था, मैं रानीखेत जाके भर्ती हुआ। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने निर्णय लेकर के 2000 में फौज छोड़ी थी। उसमें यह भी एक पॉइंट दिमाग में था, युद्ध वीरांगनाओं की, पूर्व सैनिकों की सेवा करूंगा। आज मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी बहुत जल्दी ऑटोबायोग्राफी जिसे बोलते हैं आत्मकथा, वो भी मई में आएगी। सैकड़ों युवाओं को वो प्रेरित करेगी जो मेरी आत्मकथा है कि एक ताराचंद सैनिक परिवार में पैदा हुआ, सैनिक परंपरा में पला बढ़ा और वो TC राव कैसे बन गया। उसमें पूरा जन्म से लेकर के और आज के दिन तक मैंने उसमें सारी सच्चाई लिखी है। अगर मैंने कभी झूठ बोल ली वो भी लिखा है, अगर मैंने कभी चोरी करने की कोशिश की, गलती हुई मेरे से, वो भी मैंने उसमें लिखा है। और जो कुछ किया है मैंने वो तो आप पूर्व सैनिक हो, आप यहाँ के इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, आपको पता है, तो समर्पण है, उस समर्पण का ही रिजल्ट है। बिजनेस का मुझे ABCD नहीं आता, मैं आपको सबको बता रहा हूं, ABCD नहीं आता बिजनेस का मुझे, मैंने सिर्फ खर्च करना सीखा है। और ये बाबा भोला का हमारे यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, बचपन से इसी में आस्था रखी और इसी का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है। आज रात को सोकर विचार करते कल ये करना है, वो होता है, यकीन मानना। अगर आपके मन में कोई आपने प्रण ले लिया, निश्चय कर लिया, तो 90% तो आपका वो काम होगा, 5-4% आगे पीछे हो सकता है, डिले हो सकता है वो,
ये मैंने तजुर्बा किया अपने जीवन में। और जिस दिन से फौज से आया हूं 2000 जुलाई यानी मुझे लगभग 23 साल होने वाले हैं अभी, उससे लेकर के आज तक पूर्व सैनिकों के लिए, शहीदों के कल्याण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए मैं सोचते समय भी सोचता, बड़ी बड़ी हमने मीटिंग्स भी की है जिसमें जो धुरंधर हमारे समाज के हैं जो पूर्व सैनिक उनको बुलाया है, जो जजी जो रिटायर्ड उनको भी बुलाया, चर्चा की लंबे लंबे समय तक पिछले 20 साल में। लेकिन जो मैं चूकता नहीं, सच्चाई में कहना, सच्चाई में कहने से नहीं चूकता, और वो मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, डॉक्टर ईश्वर यादव जो आज यहां पे नहीं उपस्थित, आप यकीन मानना अगर मेरे समाज में 50 डॉक्टर ईश्वर यादव हो जाएं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, हम सबका योगदान यहां बैठे हुए, ये आज कंफर्म करता है कि हम सब में जज्बा है, रेजिमेंट लेने के लिए जज्बा, तभी तो आप यहां बैठे हुए आज। कई कई गांव में मीटिंग होती है, गांव के लोग कोने पे बैठ करके हुक्का पीते रहे, गुड़गुड़ाते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, लोग कौन गयो या कहीं गाड़ी गई या क्या नए थो, लेकिन आए हुए में भी उनको जगाना है, ये बात मेरे गांव में लागू होती है और आज के इस प्रोग्राम के ऊपर लागू होती है मेरे गांव में। ये मेरी बात बहने जो आई थी दूर दूर से, मैं आज कायल हूं इनके योगदान से, मैं आज कायल हूं आपके योगदान से कि आप लोगों के अंदर क्या जुनून है। मान सम्मान आप लोगों को जरूरत नहीं है, भगवान ने मान सम्मान दे रखा तभी तो आप यहां पे आए हैं, जज्बा आपके पास में, आपने को लक्ष्य बना रखा अपना कि हमने रेजिमेंट लेके रहना है, और बार बार रात दिन हम लोग अही रेजिमेंट हक हमारा, ये गुनगुनाते भी है, ये गाते भी है, इसका लंबे आवाज घर उच्चारण भी करते हैं, यही जज्बा अगर हम मैनेजर मेंटेन करेंगे। आज राव अजीत सिंह डॉक्टर ईश्वर के सहयोगी हैं, सरकारी नौकरी में होते हुए मैंने पहला इंसान देखा, मैं तालियां बजा दो एक बार, उनका डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिव है, वो हम बिजनेस मैनों को पता है कि इनकी कलम में कितनी ताकत है, इनके कैरियर को कितनी उनको चिंता होगी, लेकिन हम जब महसूस करते हैं कि ये इंसान मंच से खुल करके बोलते, सरकार के खिलाफ भी बोलते, सरकार के पक्ष में भी बोलते हैं, तो ऐसे जुनूने इंसान आप लोगों के ये प्रेरणा स्रोत हैं, ये हमारे प्रणेता हैं, हमारे लीडर हैं। कल घीसाराम जिस दिन से आए हैं उस दिन से समाज सेवा में पहले तो हम लोगों को वहां पे ट्रीटमेंट दिया ICHS में, वीर सिद्धांतिराव लेखराम के प्रेरणा स्थल पर पहुंचने पे और मुझे मौका देने पे आप लोगों के साथ में बैठ के बात करने का, और साथ भी भोजन भी करेंगे, आप लोगों का सम्मान भी छोटा मोटा जो बन पाया, अगर कोई कमी रह गई हो तो दोबारा पूरा कर देंगे सर, कोई वो नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, राव साहब बैठे हैं यहाँ पे, कल घीसाराम सर बैठे हैं, ये लीडर इनसे बात करते हैं, जब भी कहीं पे भी मैं धन की कमी अगर इस मुहिम को आगे चलाने में आती है ना, तो मैं खुल के बोलता हूं, एक सैनिक के लहजे में बोलता हूं, मैं इनके लिए उपलब्ध हूं हमेशा, जो जिम्मेदारी देंगे मैं उसको पूरा करने में समय नहीं लगाता, कमिटमेंट होते फौजी की एकदम सिखाया गया है कि समय से 5 मिनट पहले पहुंचो, तो जो समय देते हैं उससे 5 मिनट पहले उस काम को पूरा करके इनको रिपोर्ट देते हैं, सर ये और आगे बताओ क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं स्पेशली अपनी बहनों का धन्यवाद करता हूं, और मैं अभी बता रहा था कि वहां जाकर के कि मेरे लायक कोई भी, मेरा मोबाइल सबके पास में नंबर, मुझे आप मुद्दा बता दो, फिर वो समस्या मेरी है आपकी नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए जो भी मेरे से हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद। आप एक फोटो 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 ले भाई, फोटो ले भाई, देखना सर। और मारा फायर जो वहां उनकी MMG थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया, और फिर पिस्तल एक की जो घायल था अफसर उसकी पिस्तल काट के
और फाइल मारा और बोला भाई अहिर के बीच पीछे नहीं हटते हैं। और इतना जोश दिला दिया कि सारे उन्होंने जो है उस मोर्चे को फतेह कर लिया, लेकिन वो वहां वीरगति को प्राप्त हुए। और मैंने ये सिर्फ किताब में ही नहीं पढ़ा, रामचंद्र साहब गांव मंदोला के थे, गुजर के आज की तारीख में उनका परिवार भैरोड में रह रहा, उन्होंने बताया कि मैं इस चीज का आंखों से मैंने चश्मदीद गवाह हूं। और उनको उस बहादुरी के लिए मोर्चे पे नंदकिशोर साहब को जो है वीर चक्र मिला था, तो उनको नमन। ये परिवार ऐसा है। अब मैं गुजारिश करता हूं कर्नल भरपूर सिंह जी से वहां और दो शब्द रेजिमेंट के लिए प्लीज। अपने एरिया के वीर सेनानी मातृशक्ति वीरांगनाएं और अपने एरिया की सरदारी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आप लोग राव टीसी राव की जो ये प्रयोजन किया है उसमें आए और इसकी शोभा बढ़ाई। अहिर रेजिमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1966 में फौज में भर्ती हुआ था, आज मेरी उम्र 75 साल है, और उसके बाद प्रोग्रेस करता हुआ बोफर्स रेजिमेंट को कमांड करके मैं 2008 में 42 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुआ। जब मैं फौज में भर्ती हुआ था तो कम से कम भी एटलीस्ट आर्टिलरी के बारे में मैं जानता हूं कि 50% फौज जो है 50% मैन पावर जो है हीरों की होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते होते कई कारणों से कम होगी। अहिर रेजिमेंट नहीं बनने के क्या क्या कारण है, सबसे पहले मैं बताता हूं कि अपनी पब्लिक में इतनी जागृति नहीं थी जो आज जागृति है। अगर इतनी जागृति पहले होती तो अब अभी से बन जाती थी। एरिया गरीबी से डूबा हुआ था और अपने लीडर्स में दूरदर्शिता नहीं थी। उसके बाद ये गुरुद्वारे का इंसिडेंट हो गया 84 में और श्रीमती इंदिरा गांधी का इंसिडेंट हो गया। उसके बाद जो है ये पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया कि कोई भी जाति बेस यूनिट नहीं होगी, लेकिन फिर फौज ने पुटअप किया कि अगर जाति बेस इन्फेंट्री नहीं होगी तो आप किसी भी प्लेस को कैप्चर नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये जाटसाना की पहाड़ी है, इसके ऊपर इन्फेंट्री एडवांस करती रहती है और आर्टिलरी फायर देती रहती है, आर्मर्ड फायर देता रहता है, लेकिन जब सेफ्टी डिस्टेंस हो जाता है, आर्टिलरी का सेफ्टी डिस्टेंस है 250 मीटर, तो उसको आर्टिलरी को बंद करना पड़ता है और फिर सिर्फ फॉर्मिंग ऑफ प्लेस से आपको सबको पता है उधर से इन्फेंट्री अटैक करती है। और वो अटैक अगर आप जाति बेस बटालियन नहीं है तो एफयूए पे लेटे ही रह जाएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। तो ऐसी दबाव दे करके इन्फेंट्री ऑफिसर्स ने बोला कि इन्फेंट्री प्योर होनी चाहिए, आर्टिलरी और आर्मर्ड को उन्होंने मिक्स कर दिया, बाकी हर एक रेजिमेंट मिक्स कर दी। नाउ अभी आप देखो, कल घीसाराम साहब ने बताया कि उनकी वैकेंसी, अभी भी आप पंजाब की वैकेंसीज देखो, वहां पे उनके पास पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिख एलआई है, इनकी J&K जैक रिफ में और जैक एलआई में भी इनकी जो है 30-30% वैकेंसी है, तो इनका कोई बच्चा बचता ही नहीं। उनका जब रिटायर होता है तो वो आ जाते हैं और दूसरा वो फिर जो बचे हुए हैं वो कनाडा चले जाते हैं, तो उनकी कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ये ऐसा हमारे साथ नहीं है, हमारी जो कमाऊ में जो रेजिमेंट है वो भी जो है दो ही है, चाहे थे टू आर प्योर, बाकी तो मिक्सअप है। और इनके कारण ये है कि हमने अंग्रेजों से थोड़ा दुश्मनी ली और दूसरे हमारी जागृति नहीं थी। अभी मैं आपको थोड़ा आर्मी के बारे में बताता हूं। आर्मी जो है एक सांप के मुताबिक है, नाग के मुताबिक, इसमें इन्फेंट्री आर्मर्ड और आर्टिलरी ये तीन उसके दांत है, बाकी उसकी पूंछ है जो कि उसकी सेवा के लिए है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये दो तीन दांत थे, इसमें से सिर्फ एक ही दांत उन्होंने प्योर रखा है, दो दांत इन्होंने काट दिए, इनको मिक्स कर दिया। जो बाकी आपकी जो AC है, ऑर्डिनेंस है, EME है, इंजीनियर्स है, सिग्नल्स है, ये उस सांप के हिस्से जो कि उसको नाक के जो दांत को जीवित रखने के लिए करते हैं।
तो ये जो विकास 84 में पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया और ये अभी जब भी होगा, जैसे अभी राव साहब ने बताया कि अभी पार्लियामेंट में पॉलिटिकल लेवल पे काफी काम हो चुका है, तो अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो हम जो है 24 से पहले शायद हो सकता ले लें। लेकिन ये सिर्फ पार्लियामेंट ही दे सकती है, अभी आप अभी ये लोअर लेवल पे नहीं हो सकता। उससे पहले हमारे 84 से पहले हमारे लीडर जागृत नहीं थे, उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, पब्लिक ने भी कोई जो इतना जो है वो जोर नहीं दिया, नहीं तो पहले बहुत आसानी से मिल सकता था। हमने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 65, 71, 62 सब में इतना अच्छा काम किया। राव सिंह जो है पहले जो विक्टोरिया क्रॉस है, जो कि एक ओनली वन विक्टोरिया क्रॉस, तो इतनी मेडल लेने के बाद, इतनी विजेता पदक लेने के बाद भी नहीं बना। लेकिन ये हमारे एरिया की कमजोरी है और इसी से हम नहीं बने। और राव साहब को तो मैं पिछले 20 साल से हमारा जो है मेल मिलाप है, उनको मैं जानता हूँ। उनकी जो बड़ाई करना है तो वो सूरज को दीपक दिखाना है, उन्होंने बहुत काम किए हैं, आपको सबको पता है। तो मैं एक बार फिर अपनी मातृशक्ति, अपनी वीरांगनाएं और अपने जो सरदारी का स्वागत करता हूं कि आपने मेरे को इधर बुलाया और बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल साहब। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊंगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सिर्फ 18 यूनिट थी कैलरी की, जो आज आप आर्मर बोलते हो, और 18 में से 12 जनसंख्या के बाद, इतने लोगों के बाद, और हमारी रेजिमेंट नहीं है, जबकि अदर साइड कोई 1% है, कोई 2% है, कोई 0.9% है, उनकी रेजिमेंट है। एक स्टेट में चार रेजिमेंट भी है, जैसे आपने बताया सिख रेजिमेंट, सिख खलाई रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर में उनके 50% है। तो एक छोटी सी स्टेट सिख, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन के 1.6% है, और उनके लिए चार ऑप्शन। अभी हम इतने ज्यादा होने के बावजूद भी हमारे रेजिमेंट क्यों नहीं है, इसका जो मुख्य जो कारण जो मैंने पढ़ा है या सुना है वो है कि ये हमारी जो कौम है, आहिर कौम है, हमारा डीएनए में कुछ ऐसा है जो हम झुकते नहीं है, किसी के सामने नहीं झुके हम। अब ये हमारे डीएनए में है तो है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, हम कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, और ये हमने प्रूव किया 1857 की क्रांति में। उससे पहले, जैसे कि आपको पता है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1857 क्रांति के बाद जो विक्टोरिया क्राउन था उसको पावर सारी उसके पास हो गई, उससे पहले थोड़ा सा था। 1846 से पहले जो सिखों ने है उन्होंने काफी एंटी वो चले अंग्रेजों के, और उनके कई जो प्लानिंग थी ब्रिटिशर्स की वो उन्होंने फेल करी। अब ये तो जो ब्रिटिशर्स थे बड़े दिमाग वाले थे, डिवाइड एंड रूल, और बहुत कैसे न कैसे उन्होंने सत्ता स्थापित करनी थी। उन्होंने ये सोचा कि यार हम तो अपनी पूरी ताकत इनके खिलाफ लगा रहे हैं, सिखों के, जो हम जिस काम के लिए आए वो काम तुम्हारा पूरा हो ही नहीं रहा, तो क्यों ना इस सिखों से समझौता हो जाए। महाराजा रणजीत सिंह उस टाइम हीरो थे, तो उनसे उन्होंने समझौता कर लिया और 1846 में उन्होंने सिख रेजिमेंट बनाई। उससे पहले एक दो रेजिमेंट बनी थी, जैसा मैड्रास रेजिमेंट वगैरह है, तो वो उस टाइम बनी क्योंकि मैड्रास में ज्यादा विद्रोह नहीं हुआ कभी भी किसी टाइम पे। राइट। तो अब ये 1857 में जो हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया अंग्रेजों ने कि भाई ये कौम जो है इनको सारी फैसिलिटी जो भी है इनको सीज कर दिया जाए, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसानों में हो, फार्मर में हो, किसी तरह की सरकार ने हमें सहायता नहीं करी। और इसका रिजल्ट यह निकला कि धीरे धीरे हम पिछड़ते गए, हर चीज में पिछड़ते गए, खेती हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, सभी में हम लोग पिछड़ते गए। अब उसके बाद इन्होंने वो रेजिमेंट बनाई जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, ये मैं 1857 की बात कर रहा हूं, और ये रेजिमेंट जो सिस्टम बना है ये 1857 की क्रांति के बाद ही हुआ है, जब कोई भी रेजिमेंट है। आज वो हीरो बने घूम रहे हैं, ठीक है, हम उस टाइम थे और आज भी हम वही हैं, हमारे जैसे पूर्वज थे वही गुण हमारे अंदर है, हम भी नहीं झुकते। लेकिन अब देश आजाद है, हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं, अभी हमने अपने अधिकारों की आवाज उठानी पड़ेगी। पार्लियामेंट का डिसीजन ये है, जैसे भरपूर साहब ने बताया, पार्लियामेंट का डिसीजन ये है कि भाई कोई भी रेजिमेंट जाति भेद नहीं होगी,
लेकिन अब समय चला गया है, पार्लियामेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई अहिरों को अगर तुमने 24 में चुनाव जीतना है तो अहिर रेजिमेंट खड़ी करो। हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी हो कोई भी मतलब, हम किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। हमारी जो डिमांड मानेगा, जो हमारी शर्तों पर काम करेगा, वो अगला राजा बनेगा, सीधी सी बात है। 24 में उसको वोट नहीं जो अरेंजमेंट के पक्ष में नहीं। और अभी आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि जितने भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो किसी भी पार्टी के है, डजंट मैटर, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, जेडीयू का है, जिसका भी है, किसी में हिम्मत नहीं जो ये कहते हैं अरेंजमेंट नहीं बननी चाहिए, किसी में हिम्मत नहीं है। और पार्लियामेंट में आवाज उठने लग गई है कि भाई ये इनका हक बनता है और इनका हक दिया जाए। तो मैं अभी ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं चाहूंगा उनका हम सम्मान कल घिसाराम सर से करवाएं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मेरा अजीत सिंह जी से, नहीं सारे चार नहीं, आपने मना कर रखा है ना, ना भाई आप चाहोगे ना इनका भी सम्मान हो, बिल्कुल बिल्कुल दादा, तो आपकी धुन चलेगी इसमें, आ जाओ प्लीज, चलो चलो चलो, मैं नहीं, आप आओ प्लीज, आप आओ, आप चार तीन लोग बचे हुए हो, हाँ प्लीज लेके आओ भाई सर, कल सुभाष यादव सर आप भी थोड़ा सम्मान कर दो पहले इनका, आ जाओ बहन सरोज, बहन सरोज के हाथ से करा देते आप लोगों का, चलो लक्ष्मी नारायण साहब, आ जाओ, हाँ लो लो लो, हाँ उसके बाद में डॉक्टर यतेंद्र साहब, बस हो गया, नहीं नहीं सर कैसे होगा सब, आप तरफ से हो गया ना, हमारे तरफ से नहीं हुआ ना, आ जाओ भाई, हाँ लो प्लीज, बहुत जोर से तालियों बना बताओ भाई, रावजीत सिंह साहब प्लीज प्लीज आप आ गया जाओ सर, भरपूर सर आपने कहाँ ले लिया सर, ना 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 आप आ गया, आप हमेशा पीछे नहीं, ये ऐसे संघर्ष के परिणेता है कि आगे नहीं आना चाहते, नहीं प्लीज आ जाओ, नहीं सर नहीं, आज सर आज सबके सामने पूरे कोई नियम नियम तोड़ रहे हैं हम भाई, आज हम नियम तोड़ रहे हैं भाई, हाँ लो, हाँ राजीव सिंह साहब कल घिसाराम साहब सर, अच्छा कल घिसाराम साहब आ गया हो भाई, अभी बहन सरोज का भी सम्मान करेंगे हम, आप यहाँ पे पहुँच गए वही बहुत बड़ा योगदान है, आप आते और जगह कोई भी मीटिंग हो, वेटरन की वाइफ है, समाज सेवी है, वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी महिला मोर्चा की, और हमारे कोसली के जितनी भी वहाँ पे समितियां जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब में एक्टिव पार्टिसिपेशन है, रूरल एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा है, और बताओ क्या चाहिए प्लीज, लो भाई कल सुभाष यादव, जब मैं बता दूं कल सुभाष यादव एक्स रिकॉर्ड ऑफिसर हैं और हम सबका कल्याण करते आए हैं रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर, कल सुभाष यादव आ जाओ प्लीज, आपका प्रकपर है, बाकी मैं सेवा करता हूं कुछ नहीं करता, आओ प्लीज, डॉक्टर सुषमा मैडम भी हमारे बीच में है, प्लीज मैडम आइए, आपका बहुत योगदान रहता है हर इवेंट में, प्लीज प्लीज आप आइए, नहीं 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 ले आओ भाई, सुषमा मैडम का नमस्कार भाई, नमस्कार, सुविधा मेजर लक्ष्मी नारायण साहब भी हमसे पीछे छूट गए थे भाई, एक और ले आओ भाई लक्ष्मी नारायण साहब के लिए,
कर्नल साहब का हो गया था ना। चलो सर, अभी जो हमारे कुछ पूर्व सैनिक बच गए थे जो राव साहब ने नाम पुकारे थे, एक बार फिर पुकार दो, क्यों लास्ट में उनको हम दे नहीं पाए थे, प्लीज एक बार आ जाओ इकट्ठे आ जाओ। हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे नाम पुकारा गया उसका सम्मान करके हम जाने दें। कैप्टन कैप्टन राजेंद्र सिंह साहब, बड़े साहब, सिराज तले अंधेरा, कैप्टन साहब, कैप्टन राजेंद्र साहब, एक एक खड़ा होता रहो, बोलियो राजेंद्र साहब आ जाओ, अरे लाइन में आ जाओ, सब साइड में आ जाओ, देख रहा सर, अरे बजाओ भाई, कैप्टन राजेंद्र लाओ, महेंद्र सिंह जी मठ कमेटी के प्रधान, महेंद्र सिंह जी मठ कमेटी के प्रधान, अब आगे सर, आगे सर, एक एक आते जाओ लाइन में, फोटो भी आएगी ना, अच्छी फोटो आएगी, चलो चलते जाओ, चलते कैप्टन राजपाल सिंह साहब, कैप्टन राजपाल सिंह साहब, अच्छा मातृशक्ति की तरफ से उड़ियाने की श्रीमती विमला देवी जी और श्रीमती भतेरी देवी जी और श्रीमती धनपति देवी जी, तीनों जीजियों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि एक बार आ जाए मंच पे सम्मान के लिए, विमला जी, भतेरी जी, धनपति जी, तीन लेडीज के लिए, जगत सिंह जी भाई आ जाओ, भाई राम किशन महेंद्र ने भेजिए विधायक साहब खाने के लिए, ये तो अब मैं एक थोड़ी सी बात बोल रहा हूँ जो आगे से आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, ये जितनी भी संघर्ष समिति है, हम कुछ समाज के अंदर जो रोग आ गए उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लो लक्ष्मीनारायण साहब, एक बार सुन लो भाई, एक तो संघर्ष समिति के नियम ये है कि संघर्ष समिति कभी मंच पे नहीं बैठती है, जाजम पे नीचे बैठती है, संघर्ष समिति का आदमी उघाड़े सिर नहीं होता, क्या तो कैप होती है, सफा होता है। तीसरी चीज, संघर्ष समिति ने मान लो 11 बजे बोल दिया है तो 10:45 बजे जरूर पहुंचेगी, 11 बजे से पहले पहुंचेगी, क्योंकि एक बीमारी होगी है, नेताजी कार्यक्रम देते 1 बजे का, आता है 6 बजे, हमारे कार्यक्रम अगर नेताजी नहीं आए ना हमारे टाइम के हिसाब से, हम तंबू पाड़ के अपने ले जा सकते, वो आग का कहलो किमी भी करते रहे, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, अरे रोग लाग गया है, 11 बजे का टाइम देख के 3 बजे आते हैं तुम्हारे नेता, उनको बढ़ान मत दो, बल्कि अपने अपने घर चले जाओ, फिर हम सम्मान नहीं करते किसी भी सार्वजनिक, उसके ऊपर हमारी समिति अपने वैसे काम करती है। एक, हम अपने साथियों के भी परिवारों में जहां कोई मृत्यु भोज होता है वहां खाते नहीं है, कई रूस बिजनेस है, लेकिन हम ये नियम बना लिया है, कई रूसेंगे कई खुश भी होंगे, तो हमारी सबसे गुजारिश है आगे भी जो भी समिति के कार्यक्रम है हम इस चीज को बिल्कुल मतलब सख्ती से अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, कौन भी इससे सीख जाए तो बढ़िया है। अभी मैं पहले मातृशक्ति से गुजारिश करता हूं कि भोजन की व्यवस्था है, आप पहले वहां भोजन के लिए पधारे, पहले ये इतने आ जाओ, सबसे पहले क्योंकि मातृशक्ति को इसलिए कि भाई एकदम जो अव्यवस्था नहीं फैले, है ना, लेडीज फर्स्ट वाला थोड़ा सा वो करिए, दो मिनट मेरी बात को सुन लो, आदरणीय कल घीसा राम जी
कल भरपूर जी, भाई अजीत सिंह जी, डॉक्टर टीसी राव जी, मातृशक्ति एवं मेरे सारे एक्स सर्विसमैन भाई एवं नौजवान साथियों, देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ दो ही बात करनी है मैंने। पहली बात ये कि हमें इतना समय हो गया संघर्ष करते हुए, लेकिन अभी तक हमारी जो है बात नहीं बन पाई है। भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पे तो सब जगह वोट बैंक की राजनीति है। जब तक सरकार को अपना वोट बैंक खिसकता नजर नहीं आता, तब तक कोई काम नहीं होता है। तो अगर आपको ये है कि आपने अपनी हमने अपनी अरेंजमेंट बनानी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुहिम के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब तक हम सब लोग नहीं जुड़ेंगे, एक नौजवान साथी इसमें नहीं जुड़ेंगे, तब तक इसको सिरे चढ़ाना बहुत मुश्किल है। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रही हूँ, शायद मेरे कुछ भाइयों को अच्छी भी ना लगे, लेकिन जब तक हम लोग सरकार को ये हिलाएंगे नहीं कि इस बार अगर वोट नहीं देंगे वो केवल एक हरियाणा से काम नहीं चलेगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, हरियाणा से केवल काम नहीं चलेगा, जब तक आपकी बड़ी बड़ी स्टेट्स जैसे कि आपके राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, ऐसे स्टेट आपके साथ नहीं आएंगे, तब तक हम अहिर रेजिमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें ये अपना एक टीम बना के, शायद बना भी रखी होगी आपने, कि हर स्टेट के अंदर इस मुहिम को चलाना है। जब तक बाकी स्टेट हमारे साथ नहीं जुड़ेंगी, तब तक हमारे लिए इस मुहिम को आगे चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस मुहिम को सारी स्टेट के पूरे हिंदुस्तान में ले जाइएगा, क्योंकि हम लोग जो है आबादी में बहुत ज्यादा है। यादव चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, यादव तो यादव ही है, लेकिन जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। भाइयों आज मैं बता रही हूँ आपको, जिस दिन यादव एकजुट हो जाएंगे सारी स्टेट के, आपकी 100% जो है बनेगी, ये सारे नियम धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि जब सरकार को लगेगा कि यादव एकजुट हो गए हैं और बहुत बड़ी संख्या है, हमारा वोट बैंक खिसक रहे हैं, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। साथियों मैं एक ही बात कहूंगी, मेरे लायक जब भी कोई काम हो, कल घीसा राम जी आपसे मुझे आधी रात को बता दीजिएगा, मैं आपको तैयार मिलूंगी। चाहे दूसरी स्टेट में चलना पड़े, मैं वहां भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन आपको इसको गति देनी पड़ेगी। जब तक हम लोग दूसरी स्टेट के लोगों को अपने साथ नहीं लाएंगे, तब तक हमारी मुहिम जो है अधूरी रहेगी। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन जी। और दूसरे स्टेट्स में भी मुहिम चल रही है, इसी 26 तारीख को करीब 1,00,000 लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेजिमेंट के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और हर स्टेट में चल रही है। जगह दे दो भाई, ये जीवने के लिए जो है भाई मातृशक्ति वहां पधारे। अच्छा भाई एक गुजारिश हो रहा है मन से, जो भी आता है, पहले तो 40 साल 50 साल हम ये कहते रहे कि अंग्रेज वो स्याही के लिख गया, वह स्याही बड़ी मुश्किल के धोई से, अरे हमने अब पार्लियामेंट उठा ली, पार्लियामेंट ने नहीं बनानी है रेजिमेंट, किसी के भी गलत फहमी हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। अगर एक आदमी जो हेड ऑफ द स्टेट है, चाहे वो पीएम हो चाहे आपका होम मिनिस्टर, वो भी ले ले तो बढ़ जाएगी। इसके लिए कोई बिल विल नहीं पास कराना, मन से आके इस तरह की गलत फहमियां मत फैलाओ। पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं रेजिमेंट बनाने में, 70 में या नागावंड की कौन सी पार्लियामेंट ने बनाई थी, ये एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। हर आदमी और आवेश और आपके बोल जाए, इसने रोका तो रूस से तड़का उनको आवागो भी कोन्या, अरे और आपके गफलत पैदा हो जाती है। पार्लियामेंट में भूल जाओ थोड़ा दिन खातर, बनाएंगे नेता ही सरकार बनाएगी, एक पीएम भी अगर फैसला ले लेता वो अपने चुपचाप बना सकता है, बिना कोई बिल बाल कुछ इसके लिए चाहिए नहीं। तो मेरी गुजारिश है इसको बार बार मंच से न कहा जाए। अभी मैं कार्यक्रम के समापन के लिए राष्ट्रीय अहिरेजमेंट संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय एल एन राव साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सबको धन्यवाद दें। सोनी जी को बुलाते हैं, एक मिनट, मानेसर से, मानेसर से एक हमारे सोनी भाई आते हैं हमारे हर प्रोग्राम में, इंद्रजीत इंदर सोनी, इंदर सोनी जी, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पधारे। इंदर सोनी जी,
सबका समर्थन मिले, यही हमारी कामना है, इच्छा है। मैं अब हैंड ओवर करता हूँ माननीय अध्यक्ष एलन साहब। सबसे पहले मैं भिन्न भिन्न जगह से पधारे हुए सभी साथियों का आज इस पावन भूमि जट्टूसाना में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी का विषय यह है कि इस भूमि के राव डॉक्टर टीसी राव जी ने जो जहाँ कहीं भी मुहिम की चर्चा होती है वहाँ ये उपलब्ध होते हैं, और अपने तन मन धन से ये अहीर रेजिमेंट की मुहिम को आगे बढ़ा रहे। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, ये अहीर रेजिमेंट का जो मुद्दा है सबकी रेजिमेंट है, सबके कंधे पर नाम है, सबके कंधे पे नाम है। आपने देखा होगा राजपूत जाट सिख मराठा, परंतु अहीर कहीं पे नहीं है, अहीर का नाम किसी कंधे पे नहीं है। तो ये हमारे साथ जादती है, ये हमारे अधिकारों के साथ कुठाराघात है, ये बात आप मानते हो कि नहीं भाई? हमारे हक को मारा जा रहा है ना, हमारे हक को मारा जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसकी गहन पीड़ा है भाई। आप लोगों के दिल में गहन पीड़ा है ना, तो अभी बता रहे थे जैसे राव साहब है भाई ये कोई डिसीजन ले लेंगे, पीएम सीएम कोई भी ले ले, और वो पीएम डिसीजन ले ले तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है वो हो जाएगा। पीएम को मजबूर करना होगा भाई, संख्या बल में हम सबसे ज्यादा और वीरता में हमारी कोई बराबरी नहीं है, वीरता में अहीरों की कोई बराबरी नहीं है, और फिर भी हमारा कंधा सुनना है, इस बात की आप लोगों को पीड़ा है ना। जब हमारा अधिकार ना मिले तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें सरकार को मजबूर करना पड़ेगा, या कसम लेके जाओ कि जो अहीर जहां कहीं भी है ये प्रण ले, जब तक कंधे पर नाम नहीं आ जाएगा तो हमारी ताकत के बलबूते पे, हमारे वोटों की बलबूते पे जो सत्ता सुख भोग रहे हैं उनको संसद की कुर्सी नसीब नहीं होगी। ले सकते हो क्या ये प्रण? ले लोगे तो जो भी मंत्री संतरी आए उसकी बाह पकड़ के गोरुआ में बड़े चित्ते न्यू कह दो अहीर रेजिमेंट ले आए सेक नहीं, जिद बनेगी भाई। तुम ये बात मानते हो ये हमारा अधिकार है, अधिकार दिया नहीं जा रहा है तो ये क्लियर कट फैसला हमने लेना पड़ेगा। जो अहीर रेजिमेंट की बात करेगा वही राष्ट्र पे राज करेगा, वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। भाई एक बात बताओ, अब ज्यादा समय नहीं है, एक मिनट पूछता हूँ, जैन के लिए एक कंडीशन लागू कर दिया जाए आके एमपी की टिकट उसको मिलेगी जिसकी रेजिमेंट होगी। तो ये रात में 10 रेजिमेंट बनवा लिया हुआ है, मानो शोक नहीं 10 रेजिमेंट बनवा लिया हुआ है हीरा की, तो इसका मतलब ये जानबूझ के नहीं बना रहे। और आप लोग अगर ये प्रण लेंगे अग भाई अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, तो या रेजिमेंट बन जाएगी घर ही देना आ जाएंगे या रेजिमेंट, तो क्या करना है? जन जागरण करो, हर व्यक्ति को बता दो कि हमारे अधिकारों को अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारी न्याय संगत मांग नहीं मानी जा रही है, तो मजबूर कर दो सरकार को। अब समय बहुत हो गया है,
आप भिन्न भिन्न जगह से पधारे अहीर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं का जो इन्होंने सम्मान किया, इसके लिए मेजर टीसी राव को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि अहीर रेजिमेंट की मुहिम में आप जुट जाएंगे और 24 से पहले हम लेके रहेंगे। जय हिंद जय भारत।